हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू रीडन क्लासेस। मेरा नाम है पीयूष खांबिया और जैसा कि आप सबको पता है कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लेक्चर नंबर 3 पे आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखी, कंडीशन सीखी, ग्राफिकली कैसे हमें सॉल्व करना है इक्वेशंस को वो हमने सीखी। आज हम सीखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। So, दोस्तों, जो आज हमें सीखना है, आज उसका टॉपिक है मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। हम इसको एलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। पहला है a1x + b1y + c1 = 0। सेकंड है a2x + b2y + c2 = 0। अब इसका मतलब यह है कि एलिमिनेशन मेथड तो हम किसी भी एक वेरिएबल का या तो x का या फिर y का कोएफिशिएंट इक्वल कर लेंगे, और जब कोएफिशिएंट इक्वल कर लेंगे तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा, और दूसरा वेरिएबल मिल जाएगा तो उसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो फर्स्ट वेरिएबल मिल जाएगा। ये हमारी एग्जैक्टली एलिमिनेशन मेथड है। इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम आज 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, इससे आपको ज्यादा बेटर समझ में आए और आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, उसके साइड में जो बेल आइकन दिया है उसको जरूर क्लिक करिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियोस का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड से हमें दो इक्वेशन दी हुई है जिनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 2y = 11, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। सेकंड इक्वेशन है 2x + 3y = 4, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर किसी भी x का या फिर y का वेरिएबल 1 बना लेंगे। अब यहां पर देख लीजिए, यहां 2 है, यहां पर हमारे पास 3 है। हम y के कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, यहां पर y का कोएफिशिएंट 2 है, यहां पर y का कोएफिशिएंट 3 है। तो हम यहां पर क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे दोनों का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल हो जाए। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3 और पूरी इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2, जिससे हमें y का जो कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में सेम टू सेम हो जाए। सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड में यही कर रहे हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3s आर 9 प्लस 3 2s आर 6 इज इक्वल टू 3 इनटू 11 33। उसके बाद ये वाला इस इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई करना है, अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2s आर 4 प्लस 2 3s आर 6 इज इक्वल टू 2 4s आर 8। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये वाली हमारी सेकंड इक्वेशन है जिसको हमने पहले 3 से मल्टीप्लाई करा फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, जिससे हमारा y का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम हो जाए, जिससे हमें सॉल्व करने में इजी हो जाए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखिए, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है। इसको नाम देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3, इसको नाम देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 4। तो अगर दोनों के साइन सेम होंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर दोनों के साइन सेम नहीं होते, अपोजिट होते, तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेते। तो हम यहां पर लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। क्या लाइन बनाकर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमें सबसे पहले तो वही इक्वेशन फिर से लिखनी है, 9x + 6y = 33, देन 4x + 6y तो जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन जो भी लिखे हुए उसके सारे साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं है मतलब माइनस आएगा। अब हमारे नीचे वाले इक्वेशन के मेन साइन ये वाले हो गए, तो 9x - 4x ये हो गया 5x, 6y और ये - 6y, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सेम टू सेम है। 33 माइनस 8 दैट इज 25। इधर 5 और x के बीच में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लीकेशन है,
तो x इज इक्वल टू कितना होगा 25, और 5 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ऑब्वियसली डिवीजन में जाएगा, तो ये हो गया 5। तो x की वैल्यू आएगी 25 और 5, जब 25 5 के साथ कैंसिल होगा तो ये हो गया हमारे पास 5। अब हम x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकेंड इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, तो जिससे हमें y भी मिल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन है अपने पास 3 और उसके बाद x, x के प्लेस पर क्या पुट करना है अपन को 5, फिर प्लस 2y, 2y वैसा का वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू 11। 3 इंटू 5, 3 5 का कितना होता है ऑब्वियसली 15, प्लस 2y इज इक्वल टू 11। इसके बाद मैं यहाँ पर लाइन बनाकर सॉल्व कर रहा हूँ, 15 उधर शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 11 माइनस 15। फिर 11 माइनस 15 कितना होता है एग्जैक्टली सही बोल रहे हैं आप लोग, 11 माइनस 15 होता है माइनस 4। फिर 2 किधर शिफ्ट होगा, बिल्कुल सही डिवीजन में, तो माइनस 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 वन ज़ा 2 टू ज़ा, तो y की वैल्यू आ गई 2। देयरफॉर वी कैन से x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये थी हमारी एलिमिनेशन मेथड, हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप अपनी वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगा। सो दोस्तों ये है अपना सेकेंड क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट इक्वेशन है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या करा था, y के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करा था। अब अपन यहाँ पर x के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके सॉल्व करके देखते हैं, जिससे आपको और डिटेल में समझ में आ जाए। अब सबसे पहले हम यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, तो हमें 8 और 3 को इक्वल बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आएगा 8 3 से 24, और यहाँ पर अगर हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 से 24। इट मीन्स हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय फर्स्ट इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई करना है 3 से, एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय सेकेंड इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सही 8 से। अब हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो सारे नंबर्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 8 ज़ा 24, एक्स तो आएगा ही साथ में, फिर 3 5 ज़ा 15, फिर 3 9 ज़ा 27। अब नेक्स्ट इक्वेशन को हमें 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली सारे नंबर्स यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर होंगे, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16 और 8 4 ज़ा 32। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको नाम देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये भी 24 है, ये भी 24 है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर मैं लाइन बनाकर उधर सॉल्व करता हूँ, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन हम वैसे की वैसे लिखेंगे, 24x प्लस 15y इज इक्वल टू 27। फोर्थ इक्वेशन है 24x प्लस 16y इज इक्वल टू 32। अब जैसा कि अपन ने बात करी थी कि जो भी नीचे इक्वेशन लिखी रहेगी अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो ये साइन माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ ये 24x पॉजिटिव, ये 24x नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल, 15y माइनस 16y, क्योंकि अब हमारा मेन साइन इसके लिए माइनस है, इसलिए 15y माइनस 16y ये होता है माइनस y, और 27 माइनस 32, 27 माइनस 32 कितना होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दैट इज माइनस 5। फिर माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू तो अपन को मिल गई 5। अब अपन क्या करेंगे, y की वैल्यू तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं या फिर सेकेंड इक्वेशन पुट कर देते हैं, तो हमें x मिल जाएगा। यहाँ पर पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड इक्वेशन में अपन पुट कर रहे हैं y की वैल्यू 3x प्लस 2 इंटू
3x plus 2 into y की वैल्यू कितनी है 5 is equal to 4. 3x 2 5s are 10. उसके बाद 10 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10. 4 माइनस 10 कितना होता है दोस्तों, माइनस 6. बिल्कुल सही. अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं. 3 और x के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो 3 को उधर शिफ्ट करेंगे तो डिवीजन में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 6 बाय 3. जब 3 के टेबल से कट करेंगे तो 3 वन जा 3 टू जा, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2. सो वी कैन से x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5. यही हमारा आंसर है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो एलिमिनेशन में एक ही मेथड है. सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को इक्वल बनाना है, और उसके बाद हमें प्लस या माइनस करना है दोनों इक्वेशंस को. हमें वेरिएबल्स की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी. और मुझे भी ये वाली एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छी लगती है दोस्तों. तो प्लीज़ पॉज करके इस वीडियो को लिख लीजिए, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, जो हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, अगेन हम एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे. x बाय 10 प्लस y बाय 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 15. नेक्स्ट है x बाय 8 प्लस y बाय 6 इज इक्वल टू 15. अब हमें यहाँ पर फ्रैक्शन में आ गया, नंबर्स हमारे फ्रैक्शन में आ गए, तो फ्रैक्शन में देखकर बहुत बार घबराहट होती है. तो हम क्या करेंगे, पहले ये फ्रैक्शन वाला पार्ट रिमूव कर देते हैं, एलसीएम वेलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमारी वो घबराहट खत्म हो जाए और हम इजीली एलिमिनेशन मेथड से उस क्वेश्चन को कर सकें. तो इसका नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2. नाउ अब हम क्या करेंगे, पहले हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व इक्वेशन नंबर 1. तो इक्वेशन नंबर 1 है अपने पास x बाय 10 प्लस y बाय 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 15. तो सबसे पहले ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसलिए ये वाले कांस्टेंट को मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ और इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ. अगर 10 और 5 का हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आता है, 10 आता है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10. अब हम इस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं 10 वन ज़ा 10, तो 1 आया, तो 1 को ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दो तो x ही आएगा. उसके बाद हमको पता है 5 2 ज़ा 10, तो 2 आया, 2 से ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा 2y इज इक्वल टू 15 माइनस 1, क्योंकि हमने प्लस 1 को उधर शिफ्ट कर दिया था. x प्लस 2y अपॉन 10, और ये 15 माइनस 1 हो जाएगा 14. उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल इस 10 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी ये होल डिवीजन में आ गए तो हम 10 को उधर शिफ्ट कर सकते हैं. डिवीजन में है 10, इसलिए उधर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लाई होगा. x प्लस 2y इज इक्वल टू 140. दिस इज इक्वेशन नंबर 3, जिसको हम आगे जाके सॉल्व करेंगे. नाउ अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं. पहले सॉल्व इक्वेशन नंबर 2. सॉल्व कर रहे हैं मतलब हम फ्रैक्शन वाला पार्ट जो है डिनोमिनेटर में है उसको हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, कैसे भी उसको हटाने की कोशिश करेंगे, इससे हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन ईजी हो जाए. तो हम यहाँ पर 8 और 6 का एलसीएम लेंगे. पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं इज इक्वल टू 15. 8 और 6 का एलसीएम लेंगे हम तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड होगा पहले, फिर 2 से, फिर 2 से, लास्ट में 3 से. तो सबको मल्टीप्लाई करना है. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. तो एलसीएम कितना आया, 24. तो मैं यहाँ पर लाइन बना देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 24 इज इक्वल टू, मैं अपने पास 15 है. अब 8 3 जा 24, तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 6 4 जा 24, तो यहाँ पर आएगा 4y, क्योंकि 6 4 जा तो 4 इंटू वाई 4y. 24 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15 इंटू 24. 3x प्लस 4y इज इक्वल टू, अब दोस्तों मुझे भी नहीं पता 15 इंटू 24 कितना होता है, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ. 15 इंटू 24, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, और जो 2 कैरी आया था इसलिए वो 60 हो गया. फिर 2 5 जा 10, 1 कैरी हो गया, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, ये हो गया 360. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. तो अब आप सबसे पहले ये पूरा का पूरा पार्ट पॉज करके इक्वेशंस लिख लीजिए, पूरा कैलकुलेशन लिख लीजिए, उसके बाद अपन थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे.
माय डियर स्टूडेंट्स, ये वही थर्ड और फोर्थ इक्वेशन है जो वहां पर लिखी हुई थी, यहां पर शिफ्ट कर ली है और अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, और यहां पर एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, तो हमारे लिए ज़्यादा इजी ये हो जाएगा कि हम x का कोएफिशिएंट इक्वल कर लें और पहले y निकाल लें और उसके बाद फिर x निकाल लें। तो हम ये काम कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 3x हो जाएगा, और फोर्थ इक्वेशन को हम सिंपली 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 3x ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3 बाय 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 बाय 1। तो 3 × x 3x + 3 × 2 = 6y = 140 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × 0 = 0, 3 × 4 = 12, 1 कैरी हो गया है, 3 × 1 = 3 जो कैरी हो गया था वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 420। उसके बाद इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत इजी है 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं दोस्तों। इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 5, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 6। अब इन दोनों के साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 6 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। हम वही दोनों इक्वेशंस यहीं पर फिर से लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 3x + 6y = 420। इसके बाद 3x + 4y = 360। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बिल्कुल सही साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ये दोनों तो कैंसिल। 6x - 4y कितना होता है दोस्तों, 2y इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये 0 फिर ये 3 और ये हो जाएगा 12 - 6 = 6। तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, 60/2, फिर 2 × 1 = 2 = 30। तो y की वैल्यू आ गई 30। अब हम y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 4 में कहीं पर भी पुट कर सकते हैं जिससे हमें x मिल जाएगा, तो हमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये हो जाएगा x + 2 × 30 = 140। 2 × 30 होता है 60 = 140। फिर हम यहाँ पर लाइन बना लेते हैं और उसके बाद 60 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो x = आएगा 140 - 60, क्योंकि +60 उधर शिफ्ट होगा तो -60 होगा दोस्तों। इसको अपन माइनस करते हैं, 140 में 60 को माइनस करके देखिए, मैं भी यहाँ पर माइनस कर रहा हूँ, तो ये आएगा 80। हम यहां पर लिख सकते हैं therefore x = 80 एंड y = 30। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट सेशन में भी एलिमिनेशन के और कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। हमने 2 इजी क्वेश्चन करे थे और एक हमने फ्रैक्शन में करा था जहां पर नंबर्स हमारे फ्रैक्शन में लिखे थे, तो उनको हमने एलसीएम लेकर वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट अलग शिफ्ट कर दिया और हमने इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद हमने एलिमिनेशन मेथड लगाकर सॉल्व कर लिया। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसकी वीडियो या फिर मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर बताऊँगा। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए मैथ्स करना ईजी हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि हम किस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं। तो हम लेक्चर नंबर 3 के बाद लेक्चर नंबर 4 में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप लेक्चर 1, 2, 3 और 4 पूरा अच्छे से तैयार करके रखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।